आवाज नहीं आ रही, हाथ उठना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अभी तो एक लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है। मैं धरती माता को, मां नर्मदा जी को और दूर दूर से आए मेरे भाई बहनों को श्रद्धा जुम्मन अर्पित करता हूं। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का स्थापना दिवस है। भाइयों, दादाजी ने इतना कुछ सब छोड़कर हमारे बीच गए हैं, उसको पूरा करना है। आज के हमारे मुख्यातिथि और राष्ट्रीय नेता गरीबों के मसीहा आदरणीय भाई तुलेश्वर मरकाम जी को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, और आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्याम मरकाम जी को श्रद्धा अर्पित करता हूं, और प्रदेश के हमारे लाडले नेता, बुजुर्ग नेता, हमारे युवाओं जैसा जोश है आदरणीय अमान सिंह फोर्ते जी प्रदेश अध्यक्ष, और आपको मैं सेवा जोहार करता हूं। आदरणीय मंच, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, नौजवान साथी, माता बहनों, सभी को मैं सेवा जोहार अर्पित करता हूं। भाइयों, आज स्थापना दिवस में सब चीज आपके सामने आने वाली है, और रोशनी भी फैल गई, प्राकृतिक शक्ति भी कह रही भाई मैं उजेला दे रही हूं। इसी तरीके से आज स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है, आज हम दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं, हमारे युवा साथी, छात्र छात्राएं, अनेक विंग के जो पदाधिकारी हैं, अभी दूर दूर से कई रास्ते में चल रहे हैं, सब तमन्ना लेकर आए हैं, और कल भी कार्यक्रम है, तो मैं चाहूंगा, ज्यादा तो बोलूंगा नहीं, यही कहूंगा कि दादा मरकाम जी का जो मार्गदर्शन था, जो दादाजी ने जो पूरे देश में जिस बात के लिए झंडा गड़ाया, आज उस रास्ते पर बैठ के और आंदोलन तो हो रहे हैं, मगर दादा ने जिस जो आंदोलन को फैलाया, जो मार्ग दिया, जो नारे तो लगाते, मगर हम उनका काम नहीं कर रहे, कोई दिल से काम नहीं कर रहा हमारा आदमी, सिर्फ काय के पीछे भाग रहा है, टिकट टिकट, मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं, मंत्री बनूं, इसके लिए भाग रहा मेरा। थोड़े दिन आया, पार्टी में काम किया, आगे दादा का मिशन कैसा बढ़ेगा, दादा ने क्या क्या वचन दिए थे, उसका पालन नहीं हो रहा, समाज कैसे बढ़े, इसका काम नहीं हो रहा, सिर्फ पार्टी में गुजबाजी करते हैं, थोड़े दिन आए और टिकट के दावेदार बन जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं पार्टी के मंच से कि हमारे कार्यकर्ता गलत काम कर रहे हैं, आपको नियम कानून सब दिया गया, बताया गया है कि आप कुछ भी हुआ थोड़ा बहुत आप काम तो नहीं कर रहे हैं, कान में शिकायत जरूर भरते हैं, कहीं भी पुछ ने फोन लगा दी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को कि साहब मेरे यहां ये हो रहा, महासचिव महोदय को लगा दिए, प्रदेश अध्यक्ष जी को लगा दिए, अरे आप क्या कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं बोलते कि मेरे यहां की जो समस्या है, ये घटना हुई है, इसको हम आंदोलन के माध्यम से लड़ना चाहते हैं, हमको न्याय दिलाना चाहते हैं, ये फोन नहीं करोगे, फोन क्या करोगे कि फलाने का चुगली कर रहे हैं, चुगली करने से हमारा पार्टी का जो मकसद वो टूट रहा, दादा की भावना में बुरा जा रहा है। इतने दिन के बाद भी देख लीजिए, जो लोग इस टाइप के दुष्प्रचार कर रहे हैं, मैं आदरणीय मेरे पदाधिकारियों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप एक स्पेशल नियम बना दें, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कब बात करेंगे, राष्ट्रीय सचिव महोदय से कब बात करेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष जी से कब बात करेंगे, छोटी छोटी बात को लेकर हमारे यदि राष्ट्र और प्रदेश में आप फोन लगाते रहेंगे, समय बर्बाद हो जाए, उसका एक नियम बना लो भाई,
आप जो भी आप वही फोन कर रहा है, इसमें व्यवस्था होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की, होना चाहिए बताए महामंत्री की व्यवस्था बनी, मगर इसका हमारा पालन हमारे बच्चे लोग लड़के लोग और हमारे पार्टी के पदाधिकारी ये नहीं कर रहे हैं। ये होना चाहिए भाई, अभी कितना समय बचा है, चुनाव बिल्कुल करीब है और हम कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, हम अपना नारा क्या चलता था, वो नारा लाएंगे मध्य प्रदेश में कहते कि नहीं, या देश में कह रहे हैं, कौन सा नारा साहब बताइए। सर जी महासचिव महोदय कौन सा नारा लगवाते हुआ, और हाँ, नारे तो बड़े जबरदस्त हैं, मगर हमने उन नारों का पालन नहीं किया है। गोंडवाना ना बनाएंगे, गोंडवा का राज आएगा, हम क्या कहते आएगा भाई, आएगा गोंडवाना का राज आएगा, यही बोलते हो ना, गोंडवाना को बढ़ाएंगे, गोंडवाना का राज लाएंगे, गोंडवाना का राज लाएंगे, मगर राज लाने के लिए आप लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से गोंडवाना का काम ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से हमारा कोई भी आदमी नहीं कर रहा है, पदाधिकारी बना है, चाहे राष्ट्र का हो, प्रदेश को, जिला का हो, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में देख रहा हूं सारे पदाधिकारी बने हैं प्रदेश के, इनको प्रत्येक जिले का प्रभार भी दिया गया है, हमारे प्रभारी जो पदाधिकारी वो भी काम नहीं कर पा रहा, चुगली जरूर कर रहा है एक दूसरे की टांग पकड़ने की, अभी अभी तो जैसे चुनाव को किनारे आया तो झड़ी लगा दी है, झड़ी लगा दी है, ये नहीं बता रहे कि हम इतने दिन गोंडवाना में काम कर रहे हैं, हमारा जो पद है वो जो पद को उस पद के माध्यम से हमने क्या काम किया, कोई हमारा पदाधिकारी बताएगा कि मैं अध्यक्ष हूं, उपाध्यक्ष हूं, महासचिव हूं, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसका काम करो, आप काम तो करो भाई, काम में फोकस तो दीजिए। एक जरूर देख रहा हूं, यदि कहीं कुछ हमारे आंदोलनकारी आगे आते हैं लड़ने के लिए, वहां पैर पकड़ना शुरू हो जाता, आंदोलन नहीं होते, अरे आंदोलन होगा हमारे जेल जाएंगे, लट खाएंगे पुलिस के, तब जाकर हम मजबूत बनेंगे, बनेगा कि नहीं, आज हमारे बीच में नहीं रहे दादा शरद यादव जी, उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, शरद यादव जी ने वो भी धरती इसी धरती की जमीन के नेता थे, जबलपुर से जन्म लिया उन्होंने, शरद यादव के इतिहास पढ़ा, शरद यादव ने इतना आंदोलन किया और पुलिस ने इतना मार मारा क्योंकि हड्डी पसूली टूट गई शरद यादव, मगर लड़ने से पीछे नहीं रहा, यहां से मध्य प्रदेश से जीतकर आप देखो पूरे भारत का नेता बन गया, बिहार में जाकर चुनाव जीतते रहा, लड़ते रहा आखिरी दम तक, दादा के जब दादा ने युद्ध छेड़ा मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश का कि गोंडवाना का राज आना चाहिए इसके देश के अंदर, गोंडवाना कैसे बढ़े कैसे आगे बढ़े मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं बहने, दादा ने क्रांतिकारी आंदोलन समग्र क्रांति का आंदोलन पूरे देश में चालू किया, शरद यादव गदगद हो गए दादा का विचार सुन के, खुद कहे कि मरकाम साहब मैं आपको गुरु मानता हूं, संघर्ष तो मैंने किया हूं मगर आपने जो संघर्ष किया है, आपने तो पूरे समाज को जो सोया हुआ समाज था उसको जगा दिए, आज समाज बोले देखो दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हुआ जल जंगल जमीन और पट्टे का, इतनी सारी पब्लिक गई देश के अंदर, सरकार हिलने लगी, उस समय की भारत सरकार देखने लगी भाई क्या होने वाला है, और साथ में शरद यादव खड़े हो गए, शरद यादव वाली क्रांतिकारी नेता और सामाजिक व्यवस्था का लड़ाई लड़ने वाला आज दादा के साथ है, जरूर गोंडवाना का झंडा भारत देश के अंदर जरूर फैले। मेरे भाइयों दादा ने प्रोग्राम बनाए, लोग घबरा गए, कांग्रेस और बीजेपी के लोग, अन्य पार्टी के लोग,
कि यार इस मामले को कैसे रोका जाए, कैसा खत्म किया जाए। शरद यादव के साथ दादा का जोड़ी यदि हो गई तो भारत में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। उसी मकसद से दोस्तों काम होते रहे। ये दादा की उम्र भी थी, उम्र के साथ साथ दादा हमने देखे दादाजी को कि दादाजी एक थैला लिए और चप्पल पहने धोल एक छोटा सा, उन्होंने कभी हवाई जहाज की बात नहीं सोची, कभी उन्होंने नहीं सोचा कि मुझे कोई बड़ी गाड़ी वीआईपी चाहिए।